नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। राजधानी पटना में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही है, अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले दिनों रुपेश कुमार सिंह की हत्या कर दी गई थी, जो इंडिगो के स्टेशन मैनेजर थे, उनकी हत्या कर दी गई थी। अभी तक उनकी हत्या की गुत्थी नहीं सुलझी है। इस बीच अपराधियों ने एक बार फिर से बड़ी घटना को अंजाम दिया है। जी हां, आपको बता दें कि मसौढ़ी इलाका है, पटना में ही ये पड़ता है मसौढ़ी इलाका, वहां पर अपराधियों ने कृषि पदाधिकारी की हत्या कर दी है। ये बड़ी खबर बता रहे हैं कि लगातार जो हत्या का सिलसिला है वो जारी है, अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। इस पर आज बीजेपी के नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के नेता जो प्रेम कुमार है वो, और सुनिए डिप्टी सीएम क्या कुछ कह रहे हैं। भाई, जो भी कुछ हो रहा है उसका उद्भेदन होके हमारी सरकार अच्छी काम कर रही है, हमारे सारे अधिकारी लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं उसका खुलासा हो ही रहा है। चलिए आइए। घटना दुखद है और ऐसे सरकार के स्तर पर लगातार अपराध को रोकने के लिए माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रयास किया जा रहा है। जो आपराधिक घटनाएं घट रहे हैं, अपराधी पकड़े जा रहे हैं और सरकार लगातार इस मामले में संवेदनशील जा करके है और सरकार का प्रयास है कि अपराध पर लगाम लगाने के लिए, अपराधियों पर को नकल कसने के लिए सर समय स्पीड ट्रायल चला करके सजा भी देने का काम किया जा रहा है। लेकिन अभी तक रुपेश हत्या करना, अभी तक अपराधी, वैसे तो मैं देख रहा हूँ कि सरकार का प्रयास है जा करके, आशा करते हैं कि जल्द ही उद्भेदन होगा। जो अपराधी हैं, अपराधी को नस्ल नकल कसने के लिए सरकार का लगातार प्रयास जा करके है और मैं समझता हूं कि जो घटनाएं घट रही है उस पर जल्द ही अपराधी पकड़े जाएंगे और अपराधियों का मतलब जाकर के स्पीड ट्रायल चलाकर सरकार सजा दिलाने का भी काम करेगी, ताकि जिस तरह की बातें आ रही जाकर के बाकी चिंता का विषय जाकर के। और